नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। तो चलिए आज करते हैं कम्युनिकेशन यूनिट का चैप्टर 11। टेंथ चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पहले करा चुका हूँ और आज करते हैं न्यूज़पेपर यानी कि प्रिंट मीडिया। ये मैंने पहले पार्ट में भी कराया था और आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में से जो चीज़ें रह गई थी उन चीज़ों को मैं पार्ट टू में आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। तो चलिए अब चलते हैं पॉइंट्स, इनके भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लेके आया हूँ। आप दोस्तों इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से करिएगा। आप अगर इनको अच्छी तरह से करते हैं तो यकीन मानिए आपका एक ना एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए आरएनआई की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। आरएनआई की फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ पेपर ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ पेपर्स ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें होता क्या है, इसमें नए न्यूज़ पेपर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उनको मान्यता भी देते हैं। जो आरएनआई है वो जो न्यूज़पेपर्स हैं, नए न्यूज़पेपर्स हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है और उनको मान्यता भी देती है, ये इसका काम है। अब आगे चलते हैं पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या होता है, इसके बारे में कई बार एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जा चुका है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता है वो जो बाई वीकली अखबार छपते हैं, जैसे सप्ताह में दो बार छपने वाले अखबार होते हैं, या फिर बाई मंथली एक महीने में दो बार छपने वाले अखबार पीरियोडिकल्स में आते हैं, ट्राई वीकली सप्ताह में तीन बार छपने वाले अखबार पीरियोडिकल्स में आते हैं, वीकली यानी कि एक सप्ताह में एक बार छपने वाला अखबार भी पीरियोडिकल्स में आता है, फोर्टनाइटली यानी कि रात में छपने वाला जो अखबार होता है, और मंथली, मंथली का मतलब होता है एक महीने में एक बार छपने वाला अखबार। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किस में छपते हैं अखबार, तो सबसे ज़्यादा अखबार बाई वीकली में छापे जाते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड है बाई वीकली छपने वाले अखबारों की। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं पीआईबी। पीआईबी की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। पीआईबी की फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसमें होता क्या है, यह एजेंसी गवर्नमेंट के प्लान वर्किंग की जानकारी रखती है। जो पीआईबी है यह एजेंसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए सारे प्लान्स, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए सारे काम या फिर आगे किए जाने वाले सारे कार्यों के बारे में नज़र पीआईबी रखती है, उनकी जानकारी पीआईबी रखती है कि गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं या फिर गवर्नमेंट आगे चल के क्या क्या काम करेगी, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन पीआईबी रखती है। अब चलते हैं डीएवीपी। डीएवीपी की पहले फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो डीएवीपी की पहले फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें होता क्या है, डीएवीपी में गवर्नमेंट के जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं उनको करना, डीएवीपी क्या करती है, डीएवीपी का काम है गवर्नमेंट के जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं उनको करना, डीएवीपी का काम होता है। अब चलते हैं आरआरटीडी। आरआरटीडी की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिवीज़न, रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिवीज़न। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मास मीडिया के लिए फ्री में ट्रेंड करना। जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको मास मीडिया के लिए फ्री में ट्रेनिंग देना, जैसे मीडिया के सामने कैसे बोलना है या न्यूज़पेपर वालों के सामने क्या बोलना है, टेलीविज़न पे अगर जाना है तो वहाँ पे किस तरह से बातें करनी है, ये इन सारी चीज़ों की जानकारी कौन देती है, आरआरटीडी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। तो अब चलते हैं दोस्तों एफटीटीआई। एफटीटीआई की फुल फॉर्म होती है फिल्म एंड टेलीविज़न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिल्म एंड टेलीविज़न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका चेयरमैन कौन है, इसका चेयरमैन था गजेंद्र चौहान, इसका चेयरमैन है गजेंद्र चौहान। अब अगर कोई चेंज हो गया हो तो आप नेट से देख लीजिएगा एक बार, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे रेडियो की तरफ। तो रेडियो के से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो यहाँ पर लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रसार भारती कब बना था, जो प्रसार भारती चैनल है रेडियो का वो कब आया था, वो आया था 1997 में, यानी 1997।
दूसरा पॉइंट है आकाशवाणी, आकाशवाणी आया था 1923 में, 1923 में स्टार्ट हुआ था और रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे में फर्स्ट ब्रॉडकास्ट इसका हुआ था। जो आकाशवाणी है वह 1923 में आया था और इसका जो पहला प्रसारण था, पहला ब्रॉडकास्ट था, वो हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। जो आकाशवाणी था उसका 1936 में इसका नाम चेंज कर दिया और नाम चेंज करने के बाद उसका नाम रख दिया ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट पॉइंट है 1957 में फिर इसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया। 1957 में फिर इसका नाम एक बार चेंज किया और उसका नाम फिर से आकाशवाणी रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1977 में फर्स्ट एफएम सर्विस स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मद्रास में। 1977 में फर्स्ट एफएम सर्विस स्टार्ट हुई थी मद्रास के अंदर, ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो मिर्ची सबसे पहला प्राइवेट चैनल है। जो रेडियो मिर्ची आप सुनते भी होंगे वो सबसे पहला प्राइवेट चैनल है। उसके बाद डिश टीवी वाज फर्स्ट डीटीएच ऑपरेटर इन इंडिया। जो डिश टीवी था, डिश टीवी जो है वह भारत के अंदर सबसे पहला डीटीएच ऑपरेटर है। जो डिश टीवी हमारा है आपने देखा होगा, छतों पर लगे रहते हैं, आपके घर में भी होगा, आपके पास भी होगा। तो ये थे आपके रेडियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब चलते हैं टेलीविज़न से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यानी कि दूरदर्शन, टेलीविज़न दूरदर्शन। इसका पॉइंट है सबसे पहले, द फर्स्ट टेलीविज़न वाज ब्रॉडकास्टेड इन 1959 फ्रॉम दिल्ली। जो फर्स्ट टेलीविज़न का ब्रॉडकास्ट हुआ था यानी कि जो फर्स्ट टेलीविज़न प्रसारण हुआ था वो 1959 में हुआ था दिल्ली स्टेशन से। कहाँ से हुआ था? दिल्ली स्टेशन से। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इन 1972 सेकेंड टीवी स्टेशन वाज इनॉगरेटेड इन बॉम्बे। 1972 में दूसरा टेलीविज़न स्टेशन इनॉगरेट हुआ था बॉम्बे के अंदर। अगला पॉइंट है जो आपने देखा भी होगा शायद, वो था मेट्रो स्टेशन था, शायद वो मेट्रो नाम से था, डीडी मेट्रो, पक्का मुझे याद नहीं है, आपको पता होगा शायद, आप अगर आपने देखा होगा तो। एक था दूरदर्शन, एक मेट्रो था, शायद वही था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 1982 में इंडिया में कलर टेलीविज़न आया और नेशनल चैनल स्टार्ट हो गया था। 1982 में कलर टेलीविज़न आया था और नेशनल चैनल भी स्टार्ट हो गया था 1982 के अंदर। अब चलते हैं, दूरदर्शन वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल चैनल है। दूरदर्शन वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल टेरेस्ट्रियल चैनल था। टेरेस्ट्रियल क्या होता है? बिना सैटेलाइट वाला, जो बिना सैटेलाइट के चलने वाले चैनल होते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल चैनल। तो दूरदर्शन पूरे संसार का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल चैनल था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार ग्रुप वर्ल्ड में सैटेलाइट का सबसे बड़ा चैनल था। जो स्टार ग्रुप था वो सैटेलाइट पर चलने वाला पूरे संसार में सबसे बड़ा चैनल था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, भारत में सबसे पहला प्राइवेट चैनल जी टीवी था। भारत के अंदर सबसे पहला प्राइवेट जो चैनल आया था वो था जी टीवी यानी कि ग्रुप टीवी। जी टीवी की फुल फॉर्म होती है ग्रुप टीवी। आगे चलते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला प्राइवेट चैनल स्टार टीवी था। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला प्राइवेट चैनल स्टार टीवी था। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको अच्छी तरह से करिएगा और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आपका मन करे तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और आपका मन करे तो मेरा चैनल लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।